नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल 5वें चरण की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया में इसकी पुष्टि करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। हालांकि इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। इसी बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ देखे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी विभव कुमार पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, और इन सब के बीच आखिर स्वाति मालीवाल कहां हैं? चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इश्यू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर है, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में विभव कुमार बैठे नजर आए। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने उनसे सवाल भी पूछा, लेकिन वो सवाल से बचते नजर आए। तो देखिए, विभव कुमार को लेकर के अभी कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल की तरफ से कुछ भी अभी बयान नहीं आया है, ये भी सोचने वाली बात है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। स्वाति मालीवाल पर आज आम आदमी पार्टी ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने मणिपुर और दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं इस मामले को टालने की कोशिश की, और ये कहा कि बीजेपी इस पर राजनीति ना करे, आम आदमी पार्टी उनका परिवार है। विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के साथ आए हुए इस वक्त इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मीडिया से बात करने नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, साफ साफ इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ विवेक कुमार आज सुबह एमओसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं और इस वक्त इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया को फेस करने के लिए वो तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी भी इस सवाल को मीडिया के इस सवाल को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बात को टालने की कोशिश की जा रही है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया, इस दौरान उनके साथ विभव कुमार नजर आए। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल कार में आगे बैठे हैं, पीछे विभव कुमार और संजय सिंह हैं। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि विभव पर अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं और इस बात को अगर आम आदमी पार्टी भी स्वीकार कर रही है, फिर उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको साथ लेकर अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अब हमलावर नजर आ रही है। कल हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल फिलहाल पूरी तरीके से मौन है।
कई तरीके की खबरें जो हैं वो इन दिनों दिल्ली के फिजाओं में तैर रही हैं, जिसमें इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं कि स्वाति मालीवाल की जो ये सीट है वो आम आदमी पार्टी देना चाहती है अभिषेक मनु सिंघवी को। इस तरीके की खबरें तैर रही हैं। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, बीजेपी से हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हुडा जरीवाला जी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वहीं निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका, आलोक जी बहुत स्वागत और आसिफ जी आपका भी बहुत स्वागत। आसिफ जी चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे, थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर? पार्टी का महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा स्टैंड एक ही रहा है, जो कानूनी कार्रवाई बनती है, कुछ हुआ है तो उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी हो स्वाति मालीवाल जी सामने आए और अपनी बात को रखे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं के लिए हमेशा लड़ी है, रख के लिए खड़ी हुई है। कोई कांग्रेस का नेता भी अगर किसी महिला के मामले में आया है सामने तो उसको कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरह, जब हमारी बहनें धरने पर दिल्ली दे रही थी और धरना देते वक्त कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी की नेता हो, मंत्री हो, एक अल्फाज मुंह से नहीं निकला उन महिलाओं के लिए जिन्होंने देश का सम्मान ऊंचा किया, हमारी छाती चौड़ी की, उनके खिलाफ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ FIR होती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी किसी को नहीं बख्शा ऐसे मामले में। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने ब्रिजभूषण के डर की वजह से 24 घंटे पहले उनका उम्मीदवारी बेटे को दी, उन्होंने कहा किसी में हिम्मत हो तो मुझे कुछ करके दिखा दे, और यही हुआ, उन्हीं का शख्स चुनाव जीतता है कुश्ती संघ का, और किस तरीके से कहता है ये खड़ा हूं उनके, मैं तो खड़ा हूं लेके चल रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई नहीं करती और आश्वासन देती है बहनों को कि आप रहिए इंसाफ मिलेगा। इंसाफ क्या मिला उनके साथ में? इंसाफ दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर कैसे लात जूते मारकर उन्हें उठा के फेंक दिया गया बहनों और बेटियों को। वो भारतीय जनता पार्टी आज बात कहेगी। स्वाति मालीवाल की थी, आप खींच करके पहुंच गए ब्रिजभूषण शरण सिंह पे। स्वाति मालीवाल के मामले में आपने कहा कि अगर हुआ है, ये तो खुद स्वीकार कर रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और कहा कि हाँ ये ऐसा हुआ है। मैंने आपसे पहली लाइन में कहा कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी है, हक के साथ खड़ी है, अत्याचारियों के खिलाफ है, ये हमारा शुरू से स्टैंड है। तो फिर हमारा सहयोगी है, हमारा सहयोगी नहीं है, हमारा इस घटना को हुए 3 से 4 दिन हो गए, विभव कुमार आज नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ एक बार फिर से। हम कह रहे स्वाति मालीवाल जी सामने आए और अपनी बात को रखे, बताए आके क्या हुआ है। वो बोले ना, यहाँ तो बोलने के लिए जो कुछ है ही नहीं, सामने वाला सामने नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर राजनीति कर रही है। हमने देखा ना किस तरीके भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए राजनीति करती है, संदेश खेली का, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? वही आम आदमी पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि ऐसा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पूरा CM हाउस जाके घिराव करती है तो ये महिलाएं कहां चली जाती है? जब बहनों के साथ ऐसा होता है कहां बैठ जाती है, किस आड़ के अंदर बैठ जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पर्दे के पीछे छुपा लेती इनको? आप मत बोलिए महिलाओं के सम्मान के लिए। मैं वही कह रहा हूं, संदेश खाली एक दुखद घटना थी और है, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब दो दो महिलाओं का बयान आता है कि हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया, तो वही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर सिर्फ सियासत करती है, उनके मान सम्मान के लिए कभी खड़ी नहीं होती। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो बहनों के साथ इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी सीधा कह रही है, अगर हम 24 में सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में आने के बाद में सरकारी नौकरियों में बहनों को महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। लेकिन आपके सहयोगी तो वहां कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आ रही है तो योगी आदित्यनाथ को बदला जा रहा है, मतलब आप लोग भी तो मान रहे हैं कि बीजेपी आ रही है सत्ता में। हम ये वो ये कह रहे हैं कि 24 के बाद में योगी जी को हटाया जा रहा है। नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ रही है तो कार्रवाई इंटरनली होगी जो होगी, हो सकता है उन्हें कई सत्रों से खबर मिली योगी जी हट रहे, हमें तो नहीं मालूम, इसका जवाब वो देंगे। लेकिन जिस तरीके से आज का दौर महिलाओं के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी।
जो जो लोग सर भाजपा ने बचाए हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो सलाखों के पीछे होंगे, किस तरीके देखा है कोर्ट से सजा होने के बाद में भी बार बार पैरोल लेके बाहर घूमते रहते हैं, किस किस नाम पर क्यों सरकार उन्हें पैरोल दिलाती है, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, ये लोग जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, उम्र कैद की सजा होती है, क्यों तीसरे महीने छठे महीने जेल से बाहर रहते हैं। ठीक है आलोक वत्स जी, आप लोग सिर्फ महिलाओं को लेकर के राजनीति करते हैं, उनके लिए खड़े होते नहीं है, वाकई में ये आरोप है। सही कहा आपने, हम लोग महिलाओं के लिए खड़े नहीं होते। 60 वर्ष तक रूल करने के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, ये पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी ने बिल फाड़ दी, ये भी पूरे देश ने देखा। और अगर हम महिलाओं के प्रति सजग नहीं थे तो हमारा पहला मूल मंत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे सत्ता में आने के बाद महिलाओं के एजुकेशन के दर में 28% की वृद्धि हुई है। 28% ज़्यादा महिलाएं अब शिक्षित होने की ओर अग्रसर हैं। और दूसरी बात, हमने महिला आरक्षण बिल पारित करा के उस अध्याय को समाप्त कर दिया। अब अगले साल तक या उससे अगले साल तक ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा हर संस्थानों पे। और महिलाओं के उत्थान के लिए जितने कल्याणकारी कार्य नरेंद्र मोदी के राज में हुए हैं वो संभवतः आज़ादी के बाद नहीं हुआ था। और रही बात अभी आपका मेन इशू है स्वाति मालीवाल, तो जो उनके साथ हुआ वो मेरे भाई ने ठीक कहा कि उनको सामने आकर बताना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है। अभी तक चीज़ें तैर रही हैं हवा में, कुछ संजय सिंह का बयान आता है, कुछ चुप्पी भी बताती है कि कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ। और अगर इस तरीके से उनके साथ कोई बदसलूकी, उस आदमी का नाम क्या है जो उनका पीए है, विभव कुमार ने अगर कुछ इस तरीके की वारदात की है तो उनको खुल के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। इसीलिए तो अगर स्वाति मालीवाल खुलकर के सामने आई नहीं, कल हमने देखा कि बीजेपी महिला मोर्चा खुलकर के सामने आ गई। देखिए हम किसी भी महिला के साथ इस तरीके का अत्याचार हो तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो संदेश खली में हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी इस तरीके की अगर वारदात होती है तो उस कड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम तो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, उनको बताना है ना हुआ क्या है। ये चीज अंदरूनी मामला तो हम तो जानते नहीं है क्या हुआ है, ना कोई उसका सीसीटीवी फुटेज है किसकी, जिसके आधार पर कुछ चीजें आदमी तय कर ले, तो ये तो उनको खुल के आना चाहिए। या तो वो डर गई हैं, या उनको डराया जा रहा है, या उनको धमकाया जा रहा है। और वो आदमी फिर से नजर आता है केजरीवाल जी के साथ, तो ये सब चीजें जो अभी ढकी हुई हैं इसको तो उनको बाहर करना ही पड़ेगा। और ये काम एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर ये आप बीती, जिसके ऊपर ये घटना हुई है, वो है स्वाति मालीवाल। शी हैज टू कम क्लीन एंड मेक अ स्टेटमेंट की ये मेरे साथ हुआ, तभी आगे के जो भी दल होगा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में शायद ही कोई दल होगा अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है तो वो इनके साथ नहीं खड़ा होगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी टीएमसी हो, एसपी हो, इस मामले पर हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन बोले तो सही कि हुआ क्या है, पार्टी मान रही है कि कुछ बदसलूकी तो हुई है। छोटी सा बस कह दूं मैं हल्का सा जी, अभी भाई ने कहा हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कि 50% महिलाओं को जो आरक्षण पास हुआ उसमें तमाम पॉलिटिकली पार्टियों ने समर्थन किया महिला बिल का, और जिस तरीके से इन्होंने बिल पास करने के बाद में गाइडलाइन जारी की 29 से लागू होगा, इस साल से नहीं 29 से, जबकि हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद थी, चुनाव होने जा रहा था, अभी तत्काल प्रभाव से लागू करते तो अच्छा होता, महिलाओं को हक मिलता। आप कहते आज के बाद 5 साल बाद, जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने पंचायत चुनाव के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, हाँ इधर बिल ला इधर पास करके लागू कर दिया, इसी तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है हम सरकार बनाते ही तो महिलाओं को तत्काल 3 अक्टूबर तक लागू कर देंगे। ठीक है, मेरा इतना हमारी सोच में भारतीय जनता पार्टी मेरा इतना ही कहना है कि मेरे फाजिल जोश ने जो बात कही, चलिए हमने नहीं किया, वो जब आएगा तब हम करेंगे, परसीमन के बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। इनको किसने रोका था अभी टिकट वितरण में 50% देने में, वो तो इनके हाथ खुले हुए थे, वो किसने रोका था? आपने जितने टिकटें दी उसमें 50% महिलाओं को दे देते, एक मिसाल कायम कर देते,
तो सिर्फ कथनी करनी नहीं है, सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बोल देंगे, प्रेस में बोल देंगे, लेकिन करेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने, कथनी करनी है, फर्क है। फर्क हमने देखा है ना कि इस तरीके से जब भी महिलाओं की बात होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, इतने सारे स्टेट्स के हैं बलात्कार के मामलात हुए और वो जाके जेलों में मिलके आते हैं, ये कथनी और करनी का फर्क है। हाथरस की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है रात को 12 बजे मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा, उसी मुल्दीन से जाके जेल में भारतीय जनता पार्टी का एमपी मिलके आता, कहता मेरी शिष्टाचार मुलाकात है, एक रेपिस्ट के अनुरोध का 24 के लिए आपने टिकट दे दिया होता 33%। मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ महिलाओं के लिए बात हो रही ना, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। आसिफ भाई 24 में, 24 आसिफ भाई 24 में टिकट देने से किसने रोका था? मारिए गोली आरक्षण बिल को, आप 50% लोगों को, महिलाओं को टिकट दे देते, क्यों नहीं दिया? हम भारतीय जनता पार्टी से, फिर भारतीय भारतीय जनता पार्टी का भूत आपके सिर से उतर ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, कितना परसेंट? सबसे ज्यादा क्या मतलब? सबसे ज्यादा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा नहीं, पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में? हम 326 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला 300। एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, 326 का हुआ आधा 150, आधा नहीं 33% रखिए, 33% सही। हाँ। कितने सीट हुए? 72, 75, 80 नहीं, 112-13 दिया आपने। हम ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा महिलाएं हम लड़ रहे हैं, तमाम आपने 33% क्यों नहीं दिया? नहीं है कि आप प्रधानमंत्री नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी आसिफ जी पढ़ाओ। फिर भी देखिए आसिफ जी, लड़की हूँ लड़ सकती का नारा देने वाली प्रियंका गांधी का एक ट्वीट नहीं आया है स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के। राहुल गांधी जो इतनी बात कर रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आया है। अभी आपने गृहमंत्री को सुना होगा कि गृहमंत्री ने साफ कहा कि स्वाति मालीवाल, जो उनकी गलती भी मानी जा सकती है कि वो सामने नहीं आ रही है, स्वाति मालीवाल सामने आए पुलिस का एक्शन लेने के लिए तैयार है। वही तो सब कह रहे हैं कि उनको सामने आना चाहिए, पता तो चले क्या है, क्या वैसे ही ट्वीट कर दें? अरे क्यों नहीं, वैसे क्यों? नहीं, पार्टी ने स्वीकार कर लिया ही नहीं है आसिफ जी, पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। आप सिर्फ संजय, नहीं संजय सिंह ने बाकायदा स्वीकार किया है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हुई है, नहीं उन्होंने कहा नहीं, अंदर हुआ है सर, उन्होंने कहा कि कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ है, हाउस के अंदर हुआ है, सीएम हाउस के अंदर हुआ है, ये पार्टी का मामला कैसे हो जाएगा? ये तो संजय सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के सांसद है वो। हाँ उनकी उनकी पार्टी के हैं तो क्या हुआ, वो महिला है, राज्यसभा के सांसद है, हर जगह खड़े हैं, लेकिन कम से कम स्वाति मालीवाल को इस बात को तकरीबन, तो आपको ये तो कहना चाहिए ना कि संजय जी एक्शन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी एक्शन लीजिए इस पे। सामने आए ना, जब तक सामने नहीं आएंगे कैसे आप कह देंगे? वो सामने नहीं आ रही है, पार्टी के नेता स्वीकार, उनके घर बुलवाइए उनसे, सड़कों पे आके लड़ी है, ठीक है आपके पार्टी, आपके आपकी अलायंस पार्टनर है, जाइए उनके घर, पूछिए उनसे, बुलवाइए उनसे। निरंजन जी, हम अपनी बहन के घर जाएंगे और बैठ के बात करेंगे, ठीक है, बात सामने आई है, हमारी बहन है स्वाति मालीवाल, ठीक है, अलायंस में साथ, निरंजन जी निरंजन हमारी बहन है, ठीक है। निरंजन जी अब देखिए, पार्टी स्वीकार कर रही है, पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि हाँ बदसलूकी की गई है स्वाति मालीवाल के सामने, उसके बावजूद एक्शन ना लेना, ये क्या दिखा रहा है? सुन रहा हूं और मैं तमाम सारे परिपेक्ष को देख रहा हूं और देख करके मुझे इतनी वेदना हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला जो अभी राज्यसभा सांसद है और इससे पहले लगातार कई वर्षों तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और उसने हजारों महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और आप ये मान के चलिए जो उनका व्यक्तित्व मैंने देखा है, स्वाति मालीवाल जी का जो मैंने व्यक्तित्व देखा है, कोई अगर उनको नजर भर के घूर भी लेता है तो वो उसकी आंखें तक नोच लेती है, वो ऐसे व्यक्तित्व की धनी। और जब उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता होती है, उनके साथ जिस तरीके की मारपीट होती है, जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार होता है और वो भी मुख्यमंत्री के निवास के अंदर और मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर, अभिषेक जी बहुत गंभीर मामला है। और उसके बाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक जी कहते हैं कि अगर उनके साथ हुआ है, या आसिफ जी कांग्रेस के जो नेता है वो कहते हैं कि अगर हुआ है कोई कंप्लेंट करेगा तो हम ऐसे करेंगे। मुझे एक बात बताइए अभिषेक जी,
क्या किसी अपराध के लिए कोई कंप्लेंट होना अनिवार्य है? क्या किसी ने किसी को मार के फेंक दिया, वो अगर मान लीजिए उसके कोई कंप्लेंटर नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, तो क्या पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल सामने आएगी, मीडिया के सामने खबर रखेंगी, पुलिस को रिपोर्ट करेंगी, ट्वीट करेंगी या अपनी शिकायत दर्ज करेंगी, अरे भाई ये तो पता करो कि स्वाति माल इस परिस्थिति में है भी क्या, कि वो किसी किसी की बंधक बनी हुई है या वो कहीं किसी ने उसको हाईजेक कर रखा है, किडनैप कर रखा है, वो स्वतंत्र रूप से उनके हाथ पैर खुले हुए हैं, वो बाहर आने की स्थिति में है नहीं है, उसको वो शिकायत करने की स्थिति में है नहीं है। अगर वो मान लीजिए किसी की भी जानकारी में नहीं है कि स्वाति कहाँ है, तो ऐसा भी तो संभव है कि जिन लोगों ने उसके साथ अब्यूजमेंट किया है स्वाति मालीवाल के साथ, वो उन लोगों ने उसको बंधक बना रखा हो। अगर ऐसा है तो अभिषेक जी ये और ज्यादा गंभीर मामला है। मुझे एक बात बताइए, जब स्वाति मालीवाल जी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है और उसके बाद में उनका आलोप हो जाना या उनका विलुप्त हो जाना तो ज्यादा बड़ी संदेह पैदा करता है, ज्यादा गंभीर घटना हो जाती है, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई। अगर मान लीजिए अभिषेक जी ने मेरे साथ कोई अपराध किया और उसके बाद में अभिषेक जी ये सोचे कि निरंजन थाने नहीं चला जाए और अभिषेक जी अपने 2-4-5 मुस्टंडों को लेकर के मुझे कैद कर ले, मुझे वहां पे समझ लीजिए हाईजेक कर ले, मेरे हाथ पैर बांध करके किसी अज्ञात जगह किसी अंधेरे कमरे में मुझे पटक दे और पुलिस कहे जब निरंजन आएगा और वो हमें शिकायत करेगा तब हम जाकर के कार्रवाई करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो अभी आसिफ जी उनको बहन बता रहे हैं, अपनी बहन के लिए एक मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, क्या अभिषेक जी की अगर आसिफ जी की या आलोक जी की सगी बहन कहीं मान लीजिए कोई उसके इनको पता चलता किसी ने उनके साथ अभद्रता की है और उसके बाद में वो कहीं पे भी उनका आता पता नहीं है, वो कहाँ पे है, वो अज्ञात है, वो ज्ञात है, उनका कहाँ पे, उनका अभी वो कहाँ रह रही है कि नहीं रह रही है, कुशल क्षेम है कि वो अभी किसी विपदा में है, क्या आसिफ जी यहाँ टीवी पे बैठ करके केवल ये बात कहते अपनी बहन का पता नहीं करते? वो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल शब्दों के अंदर बहन कह देने से बहन नहीं होती है। अभिषेक जी बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और LG साहब से भी निवेदन करूंगा कि स्वतः संज्ञान और कोर्टों को भी करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के सबसे पहले मालीवाल जी की कुशल क्षेम का पता करें कि वो सुरक्षित तो है, वो स्वस्थ तो है, वो जहाँ पे भी है अपनी स्वेच्छा से जहाँ है वहां कंप्लेंट करने की स्थिति में है कि नहीं है, ये तो पता चले अभिषेक जी। बिल्कुल, उनके एक्स हस्बैंड जो हैं जिनसे वो अब अलग हो चुकी हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि उसकी जान तक को खतरा है, यानी स्वाति मालीवाल की जान तक को खतरा है, ये कल बयान दिया आया था जो एक्स हस्बैंड ने। इस चीज की कौन तफ्तीश कर सकता है कि स्वाति माल अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है और जहाँ पे भी है वो अपनी मन मर्जी से बैठी हुई है, इस चीज को कौन ताकीद कर सकता है जब वो किसी के संपर्क में ही नहीं है? अभी वो किसी के संपर्क में नहीं है। ठीक है निरंजन जी, आता हूँ फिर से आपके पास। नितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, उनके पास भी चलेंगे। बहुत स्वागत नितेश जी आपका, लेकिन उससे पहले इस समय लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां पर इस समय योगी आदित्यनाथ एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जा रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हरेक ओर से आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हरेक ओर से एक ही आवाज है और वह है जो राम को लाए हैं 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है और इस दृष्टि से एक बार जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहन और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव जिता करके भेजा था और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं और इन सब का श्री। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है और इस पर सियासत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती नजर आ रही है। नितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के। नितेश जी, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई ये आपके नेता भी स्वीकार कर रहे हैं, फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार, आपके पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात बिल्कुल कहने वाली नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। ये बात को हमने स्पेशली बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताई है, इसमें जो भी कार्रवाई है वो की जाए और सीएम आवास की जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम करने में तैयार हैं, सहयोग करने में तैयार हैं, हम कानून के हिसाब से जो भी उचित तरीके होंगे हमें शामिल होने में तैयार हैं। अगर इस प्रकार की कोई घटना या इस प्रकार की कोई बात हुई है, वारदात हुई है, मतलब घटना नहीं हुई है, ये सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ मतलब आपको आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगा। ये सरकार नहीं है कि आपको धरने पर बैठना पड़े और चाहे देश देश का नाम खराब हो जाए, लेकिन एक FIR करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़े और उस व्यक्ति को आप सांसद बनाए रखे क्योंकि आपकी सरकार बनी है। और कभी हम इस चीज का खंडन नहीं करेंगे और हमारा देश हर एक महिला के लिए उतना ही हमारे लिए सम्मान है, चाहे मणिपुर में उसके साथ व्यवहार हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, हमारे लिए किसी प्रकार दिल्ली के सीएम आवास के अंदर हुआ है, कहीं और कोने में देश के कहां जा रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर आपकी राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी हुई है और ये आपके सांसद स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं एक्शन होना चाहिए अगर कुछ हुआ है तो, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये देखिए हर एक कंप्लेन एक जांच के विषय से निकल के होकर गुजरती है। ये मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीजें हैं, हमें भी जानकारी होगी और थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं। जब कोई कंप्लेनेंट कंप्लेन फाइल करता है तो वो उसका एक तरफ का आधार होता है, इसके लिए जांच प्रक्रिया होती है। अब वो जांच करने का काम पुलिस का है और हम उसमें सहयोग करते हैं, करना भी चाहिए, कानून का अपना अधिकार है, कानून के दायरे हैं। तो फिर संजय सिंह ने क्यों बोला कि इस पे मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे? लेकिन जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैंने स्पष्ट कहा, हमारे नेता जी ने स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, हम किसी का बचाव नहीं करेंगे, जो भी उचित से उचित और मजबूत से मजबूत कार्रवाई हो की जाए अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। अच्छा, तो अब ये चीज स्वाति मालीवाल हैं कहाँ? बिल्कुल, स्वाति मालीवाल जी बहुत अच्छी हैं, सबसे घर पे हैं, अपने व्यक्तियों कुछ उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, उनके साथ जुड़ी हुई है और अभी कुछ दिन हमारे साथ आ गए। उनके साथ बदसलूकी हुई थी या नहीं हुई थी? तो क्योंकि मामला सबके सामने है, हमने तो बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि ऐसा मामला संज्ञान में आया है और हम पूरी तरीके से पुलिस तक कॉपरेट करने को तैयार है। जहां भी आरोप 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 किस पे लगा है? उन्होंने जैसा पुलिस से खबर आई है उस हिसाब से ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनके साथ आपके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। देखिए, अब ये कहना कि कल हमारे पैनल पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए, मेरे सही मान लीजिए नहीं हूँ, अब उसके साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाए, आपका क्या उसमें रोल है? कनेक्ट मान लीजिए कोई कनेक्ट अपराधी हूँ, मान लीजिए मैं संगीत सर एक चीज है, अगर आरोप है नीतीश जी पे, अगर कोई आरोप उस तरीके का है तो मैं उनके साथ डिबेट नहीं करूंगा कि नहीं मुझे पैनल पे वो नहीं चाहिए, वो पाक साफ हो जाए, वो पाक साफ हो जाए उसके बाद मेरे पैनल में बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कानून हर एक व्यक्ति विशेष के लिए अपना काम करता है, मेरे अपराध आपके ऊपर लगे। तो FIR आप लोगों ने दर्ज कहां करवाई है? आप लोगों ने FIR भी तो नहीं दर्ज करवाई है, आपकी पार्टी की तरफ से FIR होनी चाहिए थी। नहीं मिलेगी, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर पहले वो काम वही कर लेता हूँ। अच्छा, आपके राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हो जाएगी, आप FIR दर्ज नहीं करवाइएगा, इसके लिए कानून कौन सा कानून चाहिए इसके लिए? अच्छा, आपके साथ कोई घटना घटेगी तो क्या यहाँ बैठे हुए? अगर मेरे साथ कोई घटना घटेगी तो मेरा चैनल क्या जाकर के FIR नहीं करवाएगा? अरे पहले तो आप जाएंगे,
अरे प्रभु तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके सीएम आवास के अंदर हुआ है, सब कुछ सीएम आवास के अंदर हुआ है। थोड़ी बहुत कानून की जानकारी जो मैं रखता हूँ उस हिसाब से बता दू कि ये सबसे पहला कंप्लेनेंट का होता है, उसके आधार पर ही कोई कार्रवाई होती है। और अगर दो तीन मसले छोड़ दिए जाए जिसमें एक रेप का मामला है और कुछ जघन्य अपराध है उसके उस मामले को छोड़ दिया जाए तो सुमो तो कोर्ट भी उसको कॉग्निजेंस नहीं लेती। ठीक है निरंजन जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? निरंजन जी बोलिए, उसके बाद फिर मैं आसिफ जी और आलोक जी के पास जाता हूँ। निरंजन जी, अभिषेक जी आपको कुछ अभिषेक जी आपको आश्चर्यचकित नहीं लग रहा कि जितेंद्र तोमर के मामले में या सोमनाथ भारती के मामले में या संदीप कुमार के मामले में या तमाम विधायकों के ऊपर जो आरोप लगता है उनके मामले में आम आदमी पार्टी तुरंत बयान दे देती है कि ये सब मनगढ़ंत आरोप है, ये सब बेबुनियाद, हमने जांच करवा ली। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज अरविंद केजरीवाल जी के घर से कोसों दूर जो घटना घटती है उसके बारे में आतो आत पता कर लेते हैं कि चीज हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर जो चीज हुई है उसके बारे में मैं अभी इनको ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई घटनाक्रम घटी है या नहीं घटी, ये इस चीज को भी ना तो इसको स्वीकार कर रहे ना इसको अस्वीकार कर रहे। अरे भाई नहीं घटी है, दो में से एक बात है अभिषेक जी, या तो मेरे घर पे कोई घटना घटी है या मेरे घर पे कोई घटना नहीं घटी। आप अगर ये कहें कि मेरे घर पे घटना नहीं घटी तो भी हम आपकी बात समझेंगे, आप कहें कि हमारे घर पे घटना घटी है तो घटना घटी है तो फिर उसकी कंप्लेंट करवाइए। वहां पे आपके यहाँ दो दो एसीपी स्तर के व्यक्ति हैं, पांच पांच छह छह आपके यहाँ इंस्पेक्टर स्तर के व्यक्ति हैं, बारह बारह आपके यहाँ दरोगा स्तर के व्यक्ति हैं, वहां पे 30 पुलिस वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए क्या ये कह रहे हैं कि विक्टिम को होना नहीं, जरूरी इसमें है। इसमें एक चीज और भी है ना कि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस, निरंजन जी इसमें एक और चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस, निरंजन जी इसमें एक चीज और है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किया हुआ है कि बदसलूकी हुई है, उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि बदसलूकी हुई है। अगर स्वीकार नहीं किया होता तो बात अलग थी, स्वीकार कर चुके हैं वो कि बदसलूकी हुई है। आवाज मिल रही है निरंजन जी? लगता है निरंजन जी से संपर्क टूट गया, लेकिन तब तक आसिफ साहब आपके पास आ रहे हैं, समझ में। अभी आपने नीतीश जी को भी सुना होगा, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक समय संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया था, अब यहां से बातें ऐसी निकल करके आ रही, घटना हुई ही नहीं होगी। देखिए मैं तो अभी कहूंगा स्वाति मालीवाल जी को सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए, अगर उनके यहाँ कोई बीमार है तब भी बाहर आके बताएं कि घटना क्या हुई है या नहीं हुई है, हम तो एक प्रयास ही लगा सकते हैं। नहीं सर, हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क हो ही नहीं पा रहा है उनसे। वही कह रहा हूं, उनको सामने वाली से संपर्क नहीं हो रहा है, घर में टीवी देख रही होंगी वो, ऐसा नहीं है, खबरें भी उन तक पहुंच रही होंगी, उनको सामने आके बताना चाहिए। हम हर तरीके से अपनी बहन के साथ खड़े हैं और मैं कोशिश करूंगा यहाँ से जाने के बाद किसी तरीके से उनसे जाके मिलूं, घर जाऊंगा और पूछूंगा क्या हुआ, और जैसी भी बात होगी नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हरियाणा के नेता जब उनके ऊपर मुकदमा होता है तो उन्हीं के अपने बेटे को बचाने में लग जाते हैं, बेटियों को लेकर इतने सारे मामलात हुए बेटी पढ़ाओ के ऊपर लेके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हमेशा सामने आया है, हम ये कहेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, महिला हमारे लिए सुप्रिय है, हमारे घर में बहन भी है, बेटी भी है और माँ भी है, इससे हट के राजनीति करनी चाहिए, बहनों को लेके महिलाओं को लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनके इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि हमें कोर्ट जाके कोर्ट से एफआईआर करानी चाहिए, ना कि जब दिल्ली पुलिस जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही हो उसका विरोध ना करे जमानत का, ये नहीं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, सबने देखा कि दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। बाकी अगर कोई छोटा सा मामला होता है उसके ऊपर पुलिस कहती है ये छेड़छाड़ करेंगे, वो सांसद बाहर रहता है और किस तरीके से मुकदमे के अंदर बयानात वापस होते हैं और उनसे मुकदमा हट जाता है। शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा मामला होगा 108 का जिसपे मुकदमा होने के बाद मुलजिम जेल नहीं गया, जेल के बाहर से ही तमाम बयान करा के वापसी करा दिया, उसने कहा मेरे से दबाव में दिया। चर्चा कर रहे हैं ये भी शायद हमारे देश के इतिहास में पहला और आखिरी मामला शायद हो, तो ज्यादा बेहतर होगा कि सीएम आवास के अंदर राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी हुई है।
ये शायद हमारे देश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा, और हम दुआ करेंगे कि इतिहास में ऐसा कभी ना हो, कभी ना हो। नहीं, सीएम ऑफ का कहीं भी ऐसा ना हो, कहीं बिल्कुल अगर कहीं होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर फटाफट हो, उस एफआईआर पे राजनीति ना हो। बिल्कुल, इस समय लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये एक नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब। आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे, आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है। और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना, हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए,
चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दिन था और श्रीनगर के लोगों का उत्साह है ना, वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापस लाकर के वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बहनें हमेशा चिंता में रहती थी, न जाने कब कश्मीर की धरती पर आतंकी धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए और न जाने कब बुरी खबर आ जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी, मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी, 370 की दीवार गिराई। पहले वहां चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंकी धमकी देते थे। लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। भाइयों साथियों, ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी, कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी, न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी
बांटना चाहते हैं, बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे, आओ एक बनकर के चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। इडली गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आलोक जी, अब आपके पास आते हैं। देखिए, सीधे आरोप आसिफ जी बीजेपी पर कई सारी चीजों को लेकर के लगाते हैं, सुना भी होगा आपने, खींच करके मुद्दा मणिपुर का आ जाता है। देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस बीजेपी फोबिया से इतना ग्रसित है कि बात अभी आप में हुई अभद्रता की और ये घूम फिर के बीजेपी पे आ गए। तो बीजेपी का इसमें क्या रोल है आप बताइए? ये जो अभी हादसा हुआ है, इसमें वो गई सीएम ऑफिस से, वो गई सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज कराने के क्रम में ही थी कि कोई फोन आया उनका और वहाँ से वो विड्रॉ करके चली गई। उसके बाद इनके सीनियर लीडर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर संजय सिंह का सार्वजनिक रूप से बयान आता है कि उनके साथ कोई घटना घटित हुई है वहां पर घटित हुई है। उसके बाद से सारी चीजें मौन है, शी इज इनकम्युनिकेबल। आप लोग भी अगर उनको तलाशने की, अब उनसे संपर्क साधने की कोशिश कीजिएगा तो शायद सफल नहीं होइएगा, नहीं हो रहा। इस मामले को दबाया जा रहा है। हमें तो अभी इस बात की तहकीकात करनी चाहिए और सब लोगों को मिलकर इकट्ठे की भाई आपके साथ हुआ क्या है। आ रहा हूं निरंजन, आइए बाहर बोलिए। अगर ये नहीं बोलेंगी तो मामला कुछ बनेगा ही नहीं। जब तक अक्यूज नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन में, जब तक पुलिस थोड़े उनके घर जाके अपने मन से कोई एफआईआर दर्ज कर देगी। तो ये आप नेता जी, एक नेता ने कह दिया कि उनके साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है ये तो सब नेताओं को स्पष्ट करना होगा। पब्लिक तो जानना चाहेगी कि क्या हुआ इनके साथ। अब तो कोई महिला सीएम आवास में जाने से डरेगी कि भाई मैं जाऊंगी कि मेरे साथ क्या हो जाएगा वहां, जब तक ये मामले का पर्दाफाश नहीं हो जाता है। तो मामला यहाँ है। तो बीजेपी का इससे क्या लेना देना भाई? बीजेपी का क्या रोल है उसमें? हम उनके साथ खड़े हैं नैतिक बल देने के लिए। हमारी महिला विंग खड़ी है, हम खड़े हैं, पार्टी खड़ी है। देश के किसी महिला के साथ इस तरीके की वारदात होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन बताना तो उनको होगा कि क्या हुआ। ठीक है निरंजन जी, आप बोलिए, रिप्लाई कीजिए, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, जिसके साथ घटना हुई है वो अब सामने अभी तक नहीं आया है, न सामने आ रहा है, क्या इसमें स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था है? निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आलोक जी यहाँ पे बैठ करके केवल बातों के बतंगड़ बना रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो एक राज्यसभा सदस्य हैं और राज्यसभा सदस्य होने के नाते जो राज्यसभा के सभापति हैं वो उनके गार्जियन के रूप में काम करते हैं। और अगर उनको, सभापति को ये चीज का पता चल रहा है
कि मेरी राज्यसभा सदस्य के साथ कोई घटना घटित हो रही है या होने की उनको सूचना मिल रही है, तो वो निश्चित रूप से इसके ऊपर वो संज्ञान ले सकते हैं और संज्ञान लेकर के और वो स्वाति मालीवाल जी के पता करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित कर सकते हैं। और उसके अलावा वो इसके ऊपर वो भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि वो जो सभापति होता है या जो लोकसभा सदस्य होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा सदस्यों का गार्जियन माना जाता है, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है। लेकिन मेरे को ये चीज का बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इसके अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष सारे के केवल यहाँ पे जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, केवल जबानी राजनीति कर रहे हैं, केवल आप ये समझ लीजिए जनता का एक आईवास कर रहे हैं कि सामने आना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आसिफ जी कह रहे हैं इस डिबेट के बाद तुरंत बाद में जाकर के साथ स्वाति जी के घर जाऊंगा। मैं आपको बता दूं आसिफ जी, पिछले 3 दिन से स्वाति जी अपने घर पे नहीं है, उनके घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा है। उनके घर में हम भी गए हैं, जाकर के हमने भी पता करने की कोशिश की है, वहां पे एक ही चीज का पता चल रहा है कि स्वाति जी घर पे नहीं आई है पिछले 3 दिन से। तो उनके घर पे जाकर के करेंगे क्या कोई भी व्यक्ति, जब कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा, ना घर वाले डरे हुए हैं, वो भी किसी से किसी प्रकार का कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें तो दुर्भाग्य भी है ना कि पार्टी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिस पार्टी का वो हिस्सा है वो पार्टी भी मौन बैठी है। नितेश जी, इस तरीके से नवीन जयहिंद ने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी उसके साथ अप्रिय हो सकता है। आज अभिषेक जी जो स्वाति मालीवाल के व्यक्तित्व को जानते हैं, जो स्वाति माल जी के अभी तक के कार्य को देखे हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जी 48 घंटे तक शांत बैठने वाली नहीं है, महिला नहीं है। बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व तो देखा है हमने और वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं ये हम सभी जानते हैं, और इसी वजह से तो बहुत सारे सवाल जो हैं उठ रहे हैं। और जब पार्टी आपके साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हमने देखा है उन्नाव की बेटी के साथ में उनके पिता को थाने के अंदर मार दिया गया, एक जल्दी से कमेंट को ट्रक चढ़ा के, आसिफ जी समय नहीं है मेरे पास, नितेश जी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी शासन लगा रहा, हो सकती है क्या मतलब आपकी बात ये बता, ठीक है आसिफ जी निरंजन जी, अब कितना होता है हमने देखा किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने एमएलए को भारतीय जनता पार्टी क्या क्या किया है। आसिफ जी आज अभी आपकी बात से, आसिफ जी वेट जल्दी से, नितेश जी स्वाति मालीवाल हैं कहां ये तो पार्टी कम से कम क्लियर कर दे, ताकि मीडिया में उनसे संपर्क करे, उनकी बाइट्स ले सके। पहले तो मैं निरंजन जी की एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ भी अनाप शनाप आपके चैनल पर चल रहा है, और आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें इंटरेस्ट करने की, और आप बिल्कुल शांति से बात करो। आप बताइए क्या 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 ऐसी वैसी क्या बात हुई है, जरा बताइए मुझे। स्पीकर महोदय, वो अगर विधानसभा अगर सदन के अंदर कोई घटना होती है उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार होते हैं और सर्वे सर्वा होते हैं, ना कि किसी के व्यक्तिगत लाइफ में और उसके मेंबर के पारिवारिक दिक्कत पारिवारिक चीजों में या किसी भी प्रकार। ये पारिवारिक चीज है, पारिवारिक ये पारिवारिक चीज है, क्या उनके उन क्या उन सास बहू के झगड़े थे, क्या सास बहू का झगड़ा हुआ है सर, कि निरंजन जी भी गलत बयान दे रहे हैं और आप उसमें सहमति दर्ज कर रहे हैं। आप मैं सहमति दर्ज नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, पार्टी क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। अरे सर, आपके आपके पार्टी के सांसद के साथ हुआ, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, आप बता दीजिए ना। ये तो कानून का मतलब ही खत्म हो गया, कोर्ट का मतलब ही खत्म हो गया, कैसी बेकार की बात चल रही है यहाँ पे, मैं सहमति एक ही चीज में व्यक्त कर रहा हूँ कि स्वाति मालीवाल के साथ जो चीज हुआ है उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा सवाल सिंपल सा इतना है। वो एक महिला है और राज्यसभा की सांसद है। स्वाति मालीवाल आपकी, विभव कुमार आपके, सीएम हाउस आपका, और उसमें बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। सर इस लॉजिक को कम से कम सही कर लीजिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।